ना एक हदीस की किताब पढ़ा गए, ना सीरत उसे मुकम्मल मालूम गए, ना नबी के बीवियाँ कितने हैं नाम उसे मालूम गए। ऐसे नौजवान आकर आस्तीन चढ़ाकर कहते हैं कि ये उल्मा की बात मत माने, ये उल्मा इकराम बुजदिल गए, बुजदिल है उल्मा इकराम, के जवानी आप ही को है, गुस्सा आप ही को आता है, आप ही के घर में माँ बहन गए, हमारे घर में माँ बहन नहीं है, हमें अपने बच्चों की कदर नहीं है। दूर अंदेशी मर चुकी है नौजवानों के अंदर। वजह क्या है? हर आने वाले व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर किसी गैर मुस्लिम या किसी एक बेवकूफ़ की बात हमने सुन लिया और खड़े हो गए उसके पीछे, चलो इंसाफ दिलाएंगे। इंसाफ दिलाना था तो आप जाना था, आप वहाँ पर म्यांमार के अंदर जाना था, यहाँ की हालात क्यों ख़राब कर रहे हैं आप? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको फ़लस्तीन के बारे में नहीं पूछेगा, लिख के रख लें आप इस बात को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको आपके गुलगुंदा के बारे में सवाल करेगा, क्या कर रहा था यहाँ पर तू? दीन का काम असल करना था, ताकत को जमा कर रहा था, दीन का काम असल कर रहा था। एक अजीब व गरीब सोच हमारे अंदर आ चुकी है, ये जितने गैर मुसलमान गए ये सब दुश्मन गए, दुश्मन है ये लोग आपके, उनके जो कारोबार गए हमसे लगे हुए गए और हमारे जो कारोबार है उनसे लगे हुए गए, फिर भी कह रहे हैं कि हमारे दुश्मन गए। कौन सिखा रहा है आपके दुश्मन है हमारे? आप किसकी बात मान रहे हैं? और इनके अंदर भी चंद किस्म के नालायक और कम किस्म के लोग हैं, कम अकल के लोग हैं, जो मुसलमानों को दुश्मन समझ रहे हैं और अपने गैर मुस्लिम भाइयों को उठाकर मुसलमानों के मुकाबले में ला के खड़ा कर रहे हैं। असल ये दुश्मन गए, ये उन गैर मुस्लिमों के भी दुश्मन गए, इन मुसलमानों के भी दुश्मन गए जो आपस में मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे हालात जो आ रहे हैं, क्या अल्लाह के नबी के ज़माने में नहीं आए थे? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार मक्का की हुकूमत में नहीं थे? क्या काम करें आप? पूरी मक्की दौर के अंदर एक ऐसा वाकया ला कर दिखाइए कि सहाबा इकराम ने कभी जंग की बात किया हो। आप कैसे बात कर रहे हैं, जंग की बात कैसे कर रहे हैं आप?